अच्छा दीदी एक बात बताओ, हुँ? कल भी जीजू लेट आए थे, आज भी लेट आ रहे हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं मतलब मैं आजकल देख रही हूँ ना, अभी मेरी फ्रेंड है ना शालिनी, उसके भी पति का अफेयर का पता चला, मतलब वो भी ऐसे ओवर टाइम का बोल बोल के घर लेट आता था। अब मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीजू भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक मिनट, हाँ मेरा फोन आ रहा है, मैं भी आती हूँ। अनु कहाँ हो तुम? यार मैं ऑफिस से निकल रहा था। मेरी बहन आई हुई है और तुम्हें अभी भी टाइम नहीं है? यार मैंने तुम्हें बताया था ना कि प्रोजेक्ट चल रहा है ऑफिस में, जिसकी वजह से वैसे रोज ही लेट हो जाऊंगा। मुझे वो कुछ नहीं पता, तुम्हें अगर कोई और मिल गई हो तो मुझे बता देना। कैसी बात कर रही हो अनु तुम ये? कुछ नहीं, अगर मुझसे मन भर गया हो तो मुझे बता दो, यही बोलने के लिए कॉल किया था। अनु हाँ हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। और नमू कैसी है? दीदी आपको दीजिए एक महीने का कितना पैसा देते होंगे? जरूरत के हिसाब से दे देते हैं। मतलब यहाँ भी आपको हाथ ही फैलाने पड़ते हैं? इस पूरे घर में कोई डिसीजन आपका है भी या नहीं? यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो जीजू अपनी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं करते बताओ? अब नम्मू का फोन आएगा, वो बोल देगी मामू ये चाहिए, मामू वो चाहिए, मामू को देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी जीजू की बहन के रोज फोन आ रहे हैं। यार नम्मू उनकी भांजी है और ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? जब शादी आपसे हुई है तो उनके पैसों पर भी आप ही का हक हुआ ना, फिर कभी दीदी तो कभी मम्मी, कितनों को बांटते फिरोगे और कब तक? खैर आपकी लाइफ है, करो जो करना है। अनु मैं सोच रहा था नमू को इस बार बर्थडे पे ना इलेक्ट्रिक टॉय कार गिफ्ट कर देते हैं, क्या बोलती हो? कोई जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दो, वैसे भी इतने महंगे गिफ्ट का वो करेगी क्या? क्या करेगी से क्या मतलब है, बर्थडे है उसका। देखो सिद्धांत अब तुम हम पे ध्यान दो, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कभी तुम अपनी मम्मी पे, अपनी बहन पे और अब अपनी भांजी पे भी पैसे उड़ाओ। यार तुम्हें हो क्या गया आजकल, हां तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगी हो? अब ये हुआ है कि हमारी शादी हो गई है। शादी हो गई है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सबसे रिश्ता खत्म कर दूं। देखो सिद्धांत अगर तुम्हें हमारा रिश्ता अच्छा बनाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी, बात खत्म। पर अनु दीदी एक बात पूछूं? पूछ। घर की चाबियां आपके पास क्यों नहीं है, आपकी जेठानी के पास क्यों है? पता नहीं मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा आपको नहीं लगता जब से उनके पास चाबियां आई हैं वो कितना घमंड में लग गई हैं? मतलब माना कि दीदी छोटे भाई हैं पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इतना घमंड करेंगी। कुछ भी जीजू आ गए। क्या बातें करते रहते तुम दोनों आपस में? कुछ नहीं बस ऐसे ही। मैं भी बोर हो रहा था बाहर, एक गेम खेलें? हाँ साउंड्स गुड। लेकिन कौन सी गेम? गेम खेलेंगे लड़कर दिखाएंगे। ये कैसी गेम है? देखो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है, दो लोग ना पॉजिटिव बात करेंगे और जो तीसरा इंसान होगा ना वो हर बात को ना नेगेटिवली लेके जाएगा,
और लड़ने की कोशिश करेगा, फिर चाहे सामने वाला केयर और कंसर्न दोनों दिखा रहा हो। ओके तो ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर आप आंसर दो। ठीक है। आपने खाना खाया? यार सुबह से शाम हो गई, अब याद आ रहा है खाने के लिए? तुम्हें अपनी बहन से फुर्सत मिले बात करने के लिए तब सोचो ना मेरे बारे में। एक मिनट प्लीज, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तुम्हारी टी शर्ट अच्छी लग रही है। यार 3 महीने पहले टी शर्ट ली है, आज देख रहे हो तुम इसे? बुद्धि यार, आप क्वेश्चंस ही उनसे गलत पूछ रहे हो। आपको ये पूछना चाहिए कि वो इतने लविंग और केयरिंग कैसे हैं। हाँ, अब इसका बताओ। यार लविंग और केयरिंग ना तो एक पप्पी भी होता है। अगर तुम मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बोलती ना तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। यार तुमने तो ठान के रखी है कि तुम्हें लड़कर जीतना ही है। एग्जैक्टली, यही होता है जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें सामने वाले से लड़ना ही है तो ऐसे होता है। मतलब ये अनु कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के आपस में क्या बातें होती हैं, लेकिन चीजों को लेकर तुम्हारी अप्रोच बहुत नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन भी खराब हो रहा है। I'm so sorry. पता नहीं मैंने अपनी ओवरथिंकिंग में तुमसे कितनी बार लड़ाई करी, और मैंने ये तक नहीं सोचा कि हमारे रिलेशनशिप पे कितना असर पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। अनु, मैं तुमसे ना सॉरी बुलवाने के लिए नहीं कर रहा था ऐसा, क्योंकि मैं कंसर्न था यार अपने रिलेशन को लेकर। जी जो, वैसे मुझे यहाँ पर आए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, पर मैंने बाहर की दुनिया में जो कुछ भी देखा सुना और समझा उसी के हिसाब से मैंने दीदी को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। But I'm really sorry. मेरा ऐसा कुछ intention नहीं था। यार मैं तुम्हारी sorry का अब क्या करूँगा? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। यार जीजू आप ऐसे। अरे यार तुम please बंद करो अब ये game. Relax. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।